हम उम्र छांट करके भी अगले चरण में उनको मौका दे दें। छठे चरण की बहाली रुकी हुई है, लेकिन कोर्ट ने कहीं से भी ये नहीं कहा कि इस पे स्टे लगा हुआ है। कोर्ट ये नहीं कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि सरकार और विभाग इस पर निर्णय ले। तो अगर सरकार को नहीं लेना है, इन अतिरिक्त कैंडिडेट्स की बात हो रही है, तो डायरेक्ट बहाली हो सकती है। कोर्ट का स्टे कहीं से नहीं है। पूरक क्या है आपका? पूरक है महोदय कि 2011 में जो स्टेट क्वालिफाई किए हुए हैं और आज 2022 चल रहा है, इन अभ्यर्थियों को छठे चरण की जब तत्काल नियुक्ति सरकार कब तक करेगी, क्योंकि कोर्ट का स्टे नहीं है, और सातवें चरण की नियुक्ति कब शुरू की जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से अब तक 3 साल से ये लोग वेटिंग में है सातवें चरण के लिए। सरकार की तरफ से कई एक बार कहा गया है कि मार्च में आएगा, जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, वो डेट बढ़ता जा रहा है। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने शायद हमने जो कहा ठीक से सुना नहीं। हमने कहीं नहीं कहा है कि कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। हमारे शब्दों पर आपने ध्यान नहीं दिया। हमने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप हुआ है, और आप बताइए कि कोर्ट ने कहा है कि जो विज्ञापन आपने निकाला है उसमें 2017-19 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसमें मौका दीजिए, यह स्पष्ट कहा है। जो हम लोगों के विज्ञापन के हिसाब से वो उसमें पात्रता नहीं रखते थे, और उसने कहा कि इनको छठे चरण में ही मौका दीजिए और इसमें आप आगे की कार्रवाई करिए। अब आप बताइए, उसी के लिए तो हमने उतनी बातें कही, उसको बता दिया विस्तार से। जो कोर्ट की बात मानने का मतलब है, एक विज्ञापन हमने निकाला, उसके हिसाब से जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन डाला, हमने नियोजन इकाई वार उनकी मेधा सूची तैयार करके रखी है। हम 15 दिन में सबको नियुक्ति पत्र देने वाले थे, तिथियों की घोषणा हमने कर रखी थी। अब उस बीच में न्यायालय ने कहा है कि इनको भी शामिल करिए। शामिल करने का क्या मतलब है? कि हम वो सब रद्द करें? वही तो हमने शुरू में कहा कि हम फिर से विज्ञापित करें, फिर से वो आवेदन डालेंगे, फिर से नियोजन इकाई वार मेधा सूची बनेगी। वही तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा है, जिस ढंग से हस्तक्षेप किया है, उसके निहितार्थ ये सब है। उन्होंने स्थगित मैंने शब्द नहीं कहा है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है वो स्थगित से भी ज्यादा गहरे अर्थ वाला है। माननीय सदस्यगण।